खरसंगी से 5 किलोमीटर दूरी पर रामदेगी तीर्थस्थल होकर यहाँ मार्गशीर्ष महीने के प्रत्येक सोमवार को यात्रा भरती है। ऐसे रामदेगी तीर्थस्थल स्थान खेल साहित्य और अल्पोपहार की दुकानें होकर दुकानदारों को यही मुकाम करना होता है। पिछले 30 वर्ष से होटल का व्यवसाय कर रहे रामदेगी के संदीप तित्रे उम्र 38 वर्ष इसे तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। सुबह 8:30 बजे के दौरान दुकानदार संदीप तित्रे उम्र 38 वर्ष निवासी राड़े गांव शौच के लिए गया था, तभी घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला किया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह घटना ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प बफर क्षेत्र के खरसंगी वन परिक्षेत्र के रामदेगी पर्यटन स्थल में घटी। संदीप तित्रे यह रामदेगी के पर्यटकों को लगने वाला नाश्ता चाय खेल की दुकान पिछले 20 वर्ष से चला रहा था। पिछले कई दिनों से इस परिसर में हमेशा ही संचार करते रहते थे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन घात लगाए बैठे तेंदुए ने शौच के लिए गए संदीप पर अचानक हमला किया और उसे मौत के घाट उतारा। इस घटना से परिसर में नागरिकों में दहशत है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और पुलिस घटना स्थल पहुंचे। रामदेगी पर्यटन स्थल होकर छोटे बच्चों से वृद्धों तक के लोग इस पर्यटन स्थल आते हैं। छोटे बच्चे यहाँ वहाँ घूमते हैं, मौज करते हैं। रामदेगी में यात्रा शुरू होने से भाविकों की यहाँ भीड़ है। ऐसे पर्यटन स्थल बाघ का संचार होना खतरनाक साबित हो सकता है, तत्काल इसका बंदोबस्त करें ऐसी मांग सभी की ओर से की जा रही है। वन परिक्षेत्र खरसंगी बफर जोन अंतर्गत वन रक्षक गश्त न डालने से और वरिष्ठ अधिकारी की अनदेखी होने से उक्त घटना घटने का आरोप व्यवसायिक कर रहे हैं। जब तक मृतक के रिश्तेदारों को सहायता नहीं मिलती तब तक शव नहीं उठाएंगे ऐसी भूमिका व्यवसायिकों ने ली है, जिसे कुछ समय के लिए यहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। आगे की जांच शेगांव पुलिस स्टेशन के थानेदार कृष्णा तिवारी इनके मार्गदर्शन में शुरू है। घटनास्थल सिटी केबल समाचार के प्रतिनिधि सारथी ठाकुर बरोरा यहां मौजूद थे। इन तस्वीरों को उन्होंने अपने कैमरा में कैद किया। अभी या रामदेगी मध्ये 30 वर्षापासून वास्तव्य आमचं 30 वर्षापासून आम्ही या लहानचं दुकान आम्ही टाकून चालवीत आहोत। तर आम्ही दोघंही भाऊ इथंच आमचं वास्तव्य आहे। आम्ही इथंच हॉटेल लावलेलं आहे। हॉटेल लावून आम्ही मी सकाळी शेगावला सामान आणण्याकरता गेलो आणि लहान भाऊ इथं सकाळला दुकान खोलून 7:30 वाजता तो संडासकडे गेला। 7 वाजता गेल्यावर तो करीबकरीब 2 घंटे आला नाही। तर जवळपासच्या दुकानदारांनी त्याची तपासणी केली का बा ह्या काऊन नाही आला। तरी बी त्यांनी तपासणी केल्यावर त्यानं इकडे तिकडे पाहण्याची हे केली। तर 4 जण लोक आमचे दुकानदार मित्र पाहण्याकरता गेले तर त्याला बिबट्यानं खात स्पॉटवर पाहिलं। तसंच मला फोन केला शेगावला तर मी शेगाववरून तसंच मी आपल्या दुकानावर हजर झालो। तर इथं मृतदेह पडून सगळेजण जमा होता। मला त्या दुकानदारांनी फोन केला, त्या दुकानदारांनी चौकशी केली, त्याच्यानंतर लोकांना रिश्तेदारांना फोन केला त्यांनी का अशी अशी घटना घडली बा। मग तुरंत आम्ही गावावरून निघालो। आम्ही उमजीतचे आहोत, दिनेश गणीर बोलतो। मग आम्ही गेलो तर तिथून त्यांचा पुरं घाटी वगैरे त्यांच्या मांडीपर्यंत खाल्लेलं आहे।